सो वेलकम बैक गाइज एंड गाइज। फ्री फायर के अंदर हर महीने कोई ना कोई न्यू इवेंट आता ही आता है, बट कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जिनका लोग वेट करते हैं हर महीने, जैसे कि मिस्ट्री शॉप है, रीजनल बैटल इवेंट है। तो रीजनल बैटल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कि हर महीने आता था फ्री फायर के अंदर, एंड उस इवेंट के अंदर आप लोगों को अच्छे खासे लेजेंडरी बंडल प्लस रेयर गन स्किन जो है ट्रायल के लिए मिल जाती थी। अराउंड 30 दिन के लिए जो है आप लोग अच्छे खासे लेजेंडरी बंडल एंड गन स्किन जो है ले पाते थे रीजनल बैटल इवेंट के थ्रू। इसके अलावा उस इवेंट के अंदर जो है आप लोगों को नेम चेंजिंग कार्ड देखने को मिल जाता था, गन के क्रिएट्स मिल जाते थे। तो भाई इवेंट बहुत ज्यादा सही था, बट पिछले कुछ महीनों से गाइस रीजनल बैटल इवेंट जो है वो आ ही नहीं रहा है फ्री फायर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा कि रीजनल बैटल इवेंट का सीजन 8 कब आने वाला है फ्री फायर के अंदर। मैं आप सभी को डेट बताऊंगा, इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि पिछले कुछ महीनों से जो है रीजनल बैटल इवेंट क्यों नहीं आ रहा था फ्री फायर के अंदर। तो ठीक है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि भाई रीजनल बैटल इवेंट अब कब आने वाला है फ्री फायर के अंदर। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सिंपली मेरे भाई उसको क्लिक करना, बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना है, ऑन करके ऑल पे प्रेस कर लेना, दैट्स इट। याद से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी और वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। तो ठीक है गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि रीजनल बैटल इवेंट जो है पिछले कुछ महीनों से क्यों नहीं आ रहा है फ्री फायर के अंदर। तो इसके पीछे मेनली एक ही रीजन है जो कि है गाइस फ्री फायर के अंदर जब रीजनल बैटल इवेंट पहले आता था तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोगों ने उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो उस इवेंट के अंदर गाइस 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। बट अभी हुआ क्या है गाइस, यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज जो है पहले एक ही सर्वर के अंदर थी, बट गाइस यहाँ पे अराउंड मुझे तक याद आता है पिछले कुछ महीनों में ही हुआ था ये कि इंडिया एंड नेपाल तो अभी भी एक सर्वर के अंदर है बट बांग्लादेश को जो है अलग कर दिया है। तो इसीलिए गाइस यहां पे पहले जहां इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल तीनों कंट्रीज के प्लेयर जो है एक साथ खेलते थे एक सर्वर के अंदर, तो अब बांग्लादेश जो है उससे अलग हो चुका है। मींस अब अगर रीजनल बैटल इवेंट फ्री फायर के अंदर आएगा तो उसके अंदर जो है बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब इंडियन सर्वर का बांग्लादेश सर्वर से जो है कोई भी लेना देना नहीं है। होप आप लोगों को जो है अब क्लियर हो रहा होगा कि ये रीजनल बैटल इवेंट जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज गाइस अब जो है बांग्लादेश का जो है अपना उनका खुद का अलग सर्वर हो चुका है एंड सिर्फ नेपाल एंड इंडिया जो है एक सर्वर के अंदर है। समझ रहे हो आप? नहीं अभी मुझे लगता है गाइस आप में से जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आज जो है फ्री फायर के अंदर एक इवेंट आता है जिसका नाम है जय फेयरवेल इवेंट, तो अब ये जरूरी नहीं है कि बांग्लादेश सर्वर के अंदर भी वही इवेंट आएगा, बट अगर इंडिया के अंदर आता है जय फेयरवेल इवेंट तो वो नेपाल के अंदर भी आएगा, ये कंपलसरी है बिकॉज नेपाल एंड इंडिया एक सर्वर के अंदर है। और बिल्कुल एग्जैक्ट पहला बांग्लादेश के साथ भी था बिकॉज बांग्लादेश, नेपाल एंड इंडिया तीनों एक ही सर्वर में थे, बट बांग्लादेश का अब उनका खुद का अलग सर्वर हो चुका है। तो अब जो भी इवेंट्स वगैरह चलते हैं तो वो जरूरी नहीं होता सेम हो तीनों कंट्रीज के बीच में, एंड अब आप लोग जो है चाह के भी बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकते हो फ्री फायर, चाहे तो आप लोग जो है कोशिश करके देख लेना। तो एक तो ये कारण है जो कि सबसे बड़ा कारण है रीजनल बैटल इवेंट के ना आने का। अब रही बात फ्यूचर की कि क्या फ्यूचर में आ सकता है रीजनल बैटल इवेंट, तो इसका आंसर है गाइस यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है नहीं आने के, कम चांसेस है आने के, बिकॉज गाइस एक सर्वर पूरा अलग हो चुका है, उसके प्लेयर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस इवेंट के अंदर। एंड अगर रीजनल बैटल इवेंट आता भी है तो उसके अंदर जो है सिर्फ इंडिया एंड नेपाल के प्लेयर जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यही एक कारण है बांग्लादेश सर्वर के अलग होने की वजह से जो है रीजनल बैटल इवेंट अभी फिलहाल इतना डिले हो चुका है। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं कि क्या फ्यूचर में रीजनल बैटल इवेंट आ सकता है, तो इसका आंसर है गाइस यहां पे नो। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, जितनी भी लीक्स मुझे मिली है, एंड रीजनल बैटल इवेंट का तो अभी फिलहाल कोई नामो निशानी नहीं है। तो अभी आने वाले टाइम में आप लोग जो कोई भी होप लेके मत चलो कि रीजनल बैटल इवेंट आएगा। बाकी आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मुझे रीजनल बैटल इवेंट की सीजन 8 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिलेगा, कोई भी लीक मिलेगा तो मैं आप लोगों को जो है वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस यहां पे होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रीजनल बैटल इवेंट का क्या कुछ पूरा सीन है। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ज्यादा अच्छा कमेंट हुआ तो उसके ऊपर जो है वीडियो भी बना दूंगा। बाय द वे गाइस आप लोगों को लेफ्ट साइड में एक वीडियो की फोटो दिख रही होगी मेरे भाई, सिंपली आप लोग इस फोटो पर क्लिक करके ये जान सकते हो कि मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर के अंदर कौन कौन से न्यू बंडल ऐड होने वाले हैं। तो सोच कह रहे हो भाई लेफ्ट साइड में वीडियो की फोटो है, अभी इस फोटो पर क्लिक करो एंड क्लिक करके जान लो कि मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर के अंदर कौन कौन से न्यू बंडल ऐड होने वाले हैं। तो अभी क्लिक करो, लेफ्ट साइड में वीडियो की फोटो है।